के इस पावन दरबार में, इस पावन धरती जहाँ पर हमारे श्याम दरबार के सबसे सिरमौर भक्त ब्रह्मलीन आदरणीय श्री श्याम बहादुर जी महाराज जी की गद्दी, पावन गद्दी जहाँ पर विराजमान था, जहाँ पर ऐसे भक्तों ने जन्म लिया और जिनकी बात रखने के लिए बाबा ने अपने विधान बदले, जिनकी जिन्होंने जिस भक्त के लिए अर्जियां लगाई उसका बाबा ने काम बनाया, चाहे उसकी किस्मत में था या नहीं था, ऐसे ऐसे पावन धरती पर बाबा श्याम का दरबार लगा। मैं खाटू धाम से बाबा श्याम पधारे हैं, बाबा श्याम के चरणों में तो नमन करता ही हूँ, बाबा श्याम के पावन दरबार से निज मंदिर खाटू धाम से पधारे हैं, निज सेवक परिवार बार से पधारे हैं आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी चौहान जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और नमन। और मैं बाबा श्याम के अन्य भक्त श्री श्याम बहादुर जी महाराज जी के प्रपोत्र श्री अशोक जी दरबार में विराजमान है, आपको भी नमन और आप सभी श्याम भक्तों को नमन करते हुए शुरू करूंगा। मैं निवेदन है कि करूंगा, हालांकि रेवाड़ी में कुछ बोलने की दरकार नहीं है, रेवाड़ी में बाबा ने कई बार कृपा करी है, मुझ जैसे गरीब को भी इस दरबार में बहुत मान लिया है बाबा ने, बाबा ने बुलाया है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सुनिएगा मत, आप सुनाइएगा, सुनने से काम नहीं बनेंगे, सुनाने से काम बनेंगे, है ना। जिसको जिसको जो भी भाव, जैसे भी भाव, जो भी आपके मन में सवाल है, आप भजन में गाओ और भजन को साथ साथ गाइए। मैं आपको देखिए, मैं कोई भक्त तो हूं नहीं, हम तो अपने पापी पेट के लिए गाते हैं, स्वार्थ से गाता हूँ, फिर भी मेरा काम बनाया बाबा ने, सड़क से उठाकर फलक पर बैठाया। आपको सब निस्वार्थ आए, आप तो किसी स्वार्थ वाले नहीं आए, जब मुझे मेरे ऊपर कृपा कर सकता है तो आप पर तो महा कृपा होने निश्चित है प्रेमी। इसलिए एक एक गगन चुम्बी जाएगा, ऐसी जयकार देखो, आजकल कहीं भी एक छोटी सी गांव देहात की पगडंडियों पर भी अगर कीर्तन होता है तो वर्ल्ड में उसकी दो चार लाइनें तो कम से कम वायरल होती होती है। और रेवाड़ी के दरबार से श्याम जगत के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड ये कार्यक्रम, ये आज का कीर्तन प्रसारित हो रहा है, तो रेवाड़ी से ऐसी पॉजिटिव जयकार के जानी चाहिए। जो इस दरबार से जुड़े, जो इस कीर्तन से जुड़े, उनके वहाँ घर बैठे काम बनने लग जाए, ऐसी जयकार। बोल हरे के सहारे की, बोलिए महाराज जी महाराज की। ये इसीलिए लगवाई कि ये जयकार की आगे आने वाले समय में बहुत दरकार पड़ेगी। जिस हिसाब से खाटू में भीड़ बढ़ रही है, हम लोग तो बोलते थे 10 साल पहले कि 15 लाख लोग फागुन के मेले में आए 11 को, तो लोग बोलते थे पागल है, ये गिनतियां बढ़ाकर बोलते हैं। कल और आज भी पहली बार मैंने सुना है कि 12 को सारी रात मंदिर खुला था, महाराज जी ने आज बताया है। हाँ, तो प्रेमियों, कहावत आई है कि 50 साल 40 साल पहले भक्त बताते थे कि अगर शिखर के दर्शन हो गए ना, तो शिखर के दर्शन होने मात्र से आपके चरणों में हाजिरी लगती है। तो ये ध्वजा बंद धारी सरकार, इसके शिखर के दर्शन जिसको भी हो जाते हैं ना, हम लोग लाइन लगाते हैं, कोई भी ये मलाल मत रखा कीजिए, आज भीड़ बढ़ रही है। आप जब हम लोग जब लाइन में होते हैं तो ये सोचते हैं कि लाइन जल्दी जल्दी नहीं चलती, और जब हम बाबा के सामने होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें धक्का मारकर जल्दी से उठा दिया गया। अगर यार 1 घंटे पहले तो तुम बोल रहे थे कि लाइन जल्दी नहीं चलती, तो सुनो, प्रभु के तो एक क्षण के दर्शन मात्र से काम बन जाता है। और देखो, हम इनको देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो तब पड़ेगा जब ये हमको देख लेंगे।
तो जब भी हम बाबा का दर्शन करने जाएं, लाइनों में रहें तो शिखर की तरफ देखते रहें। कब शिखर के दर्शन हो गए तो पहली हाजिरी वहीं लग गई और वहीं से बाबा आपको देखने लग गए। और अब बाबा के मंदिर में जब पहुंचे, एक क्षण के लिए भी अगर नजर आए ना तो बस कह देना बाबा सब पर कृपा करना। जिसने ये कहा उसको उस पर हमेशा कृपा रहती है, क्योंकि जो सबसे पुकार बाबा के दरबार में लगाता है बाबा उसको कभी हारने नहीं देता। बोल सांचे दरबार की। आइए प्रेमियों, आज का ये दरबार देवेंद्र जी की, यादव जी ने पहली बार मैंने देखा कि एक महाउत्सव जैसा दरबार, एक परिवार ने ये कीर्तन करवाया। और क्यों करवाया ये कीर्तन, क्यों करवाया इसका भी एक कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। और वो भजन के माध्यम से, अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा तो सब मिलकर उससे मैंने शाम आकर खड़ा हो जाता और कहता कहीं भी नजर डाल लेना, इस पर मत डालना, ये मेरा बच्चा है, ये मुझे भजन सुनाता है। जिस घर में बाबा का भजन होगा उस घर के अंदर में दुनिया की कोई भी ताकत बुरी नजर नहीं डाल सकती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बॉन्ड पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भजन एक मात्र ऐसा साधन है जिससे मेरा श्याम रिश्ता है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है। बोलो, मैं बाबा श्याम हमारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। किसका किसका जीवन बाबा ने संवारा है, किसका किसका, पूरे पूरे हाथों को उठाकर मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे क्या क्या बाबा जब भी उस हाथों नरेश
आसान हुआ जीवन I'm gonna go to the hospital.
मैं एक जगह भजन गा रहा था, किसी ने पकड़ लिया, पूछा आपने गाया कि तू जब से मिला मुझको आसान हुआ जीवन, जीने का मजा आया दुख भूल गया भगवान। ये कैसे कैसे दुख में जीने का मजा कैसे आ सकता है? मैंने कहा शरीर में कोई थोड़ा फुंसी हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब अगर डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया दिए अगर आपको चीर फाड़ कर दे, चीर फाड़ करना तो दूर, अगर वो औजार लेकर आ जाए ना लेटा कर कि बिना बेहोश किए तुम्हें यही चीरूंगा, तो ऐसे ही पंख पखेरू उड़ जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, है ना, दहशत से। तो मैंने क्या क्या करता है डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, आपका ऑपरेशन में जो चीरा बोलता है ना वो उतना ही बड़ा चीरता है, बल्कि कभी कभी उससे ज्यादा चीरना पड़ता है जितना बोलता है, लेकिन दर्द होता है नहीं होता, काम हो रहा है लेकिन दर्द क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके स्नायु में वो एक छोटा सा इंजेक्शन पुश करता है एनेस्थीसिया का, उधर काम होता रहता है, इधर दर्द महसूस नहीं होता, काम भी हो जाता है और दर्द में भी होता, मेरे ठाकुर वही एनेस्थीसिया का काम करता है। अरे हमने बबूल के पेड़ बोए, आम कहां से पाएंगे भाई, पिछले जन्म में कर्म हमने खराब कर रखे हैं, तो उन कर्मों को भोगना तो पड़ेगा, लेकिन श्याम शरण में आ गए तो इसका फल भी यही है। बाबा बोलता है तुम्हें जो कर्म किए भोगने पड़ेंगे, लेकिन उसका सब एहसास नहीं होने दूंगा, अगर मुझ पर विश्वास है तो जैसे चीरा लगाता है डॉक्टर, वो अपना काम करता है और वो इंजेक्शन अपना काम करता है, मैं तेरा दर्द वहां मिटा दूंगा और काम अपना करता जाएगा तुम्हारा संकट, लेकिन तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से सवारा है। बोल सांचे दरबार की, जिसका जिसका जीवन बनाए है पूरी ताकत लगा कर, बोल खाटू नरेश की। आइए अपने क्या बोले 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 जिंदा नहीं करोगे ना, क्या बोलोगे सारी दुनिया को मिल रहा है, आई आई कर देना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलो बोलो बोलो। क्यों घबराऊं मैं, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, कौन कौन नहीं घबराएगा, पूरे पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो सब से आता
पड़ती है दरकार, शाम हमेशा सहता है भैया। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ये मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ये मेरे जीवन का आधार। भारतम ये मुझ पर अपना, भारतम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। भारतम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। पूरे हाथ उठा लो, देखो बाबा। सुनो सुनो, मैंने बाबा का भजन गाया, मेरा बाबा ने पो मारा 25 कर दिए। कसम खाटो वाले की आप तालियां बजाओ, आपकी भी पो मारा 25 रहेगी हमेशा। उसे बहुत दूर जा रहा है, उसे नजदीक बुलावा पा रहा, वो आपके किरदम से दूर नहीं रहना चाहता। कई बार आपने विधि का विधान भी बदला है बाबा, उस परिवार को अपने से दूर मत जाने दो। वो चाहते हैं कि उसे आपका किरदम और आपके दर्शन मिलते रहे, उससे उसको दूर मत करना। उसका पूरा परिवार आपका प्रेमी है बाबा। कौन कौन चाहता है ये हाजिरी शक्ति लगे पूरे पूरे हाथ। I'm
इस लाइन का मतलब दादा बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे।
हमारी दीदी भी बहुत अच्छी तरह से समझती है, है ना। जब ये लोग पहली बार मिले थे, इन्होंने दो ही शब्द कहे थे ऐसे कि समझ में आ गया था कि प्रेमी है भगवान, अनन्य प्रेमी है। और ये तो ऐसा है ना भाई, ये चेहरा देखकर रिश्ता नहीं बनाता, ये तो बस ये देखता है। ये दिल साफ होना, कपड़े मैले हो, दिल साफ हो गले लगा लेता है, और कपड़े खूब बड़े उजले हो, 50,000 का सूट पहना और चौचौके की जाकर मैं खाटू वाले को बोलूंगा तो मुझे गले लगा लेगा, देखेगा भी नहीं भाई। लेकिन बड़े हाल होना और दिल साफ है तो गले लगा लेता है। बोलिए सांचे दरबार की। तो ऐसे बाबा को, ऐसे महाराज को एक माला चढ़ाओ, एक माला, एक बार चढ़ा दो वो माला, उसके बाद में फिर देखो मेरा बाबा आपको कहाँ पहुँचाता है, क्या आपको इज्जत का शोहरत देता है। बोले खाटू नरेश की। जब मुझे पहली बार बाबा ने खाटू बुलाया, बाबा के शिखर पर निशान चढ़ाकर नीचे चबूतरे के ऊपर में जो अखंड ज्योति का चबूतरा था वहां पर नगाड़ा और हारमोनियम का कीर्तन होता था, हमने वो मंजर देखा। ये हम पर कृपा है बाबा की कि हम लोग मंदिर जब खुलता था, दिन में मंगल होता था और शाम को जब 4:30 बजे खुलता था, रात तक घंटों घंटों हम लोग चबूतरे पर बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, नाचते रहते थे वो मंजर। लेकिन भीड़ बढ़ी तो व्यवस्था के अनुसार सब कुछ व्यवस्था देखना पड़ा, आज वो हालात नहीं है। लेकिन उस समय जब मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बाबा को भी नहीं जानता था, मैं चुपचाप खड़ा था, किसी में बाबा की छवि आ रही थी, उन्होंने मुझे पूछा बोल क्या मांग चाहिए तुझे। मैंने कहा बाबा आपको क्या बोलूं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो किराया भी नहीं था आपके दरबार में आने के लिए, आपने मुझे, मैं तो रो रहा था कि किराया भी नहीं है, जाऊंगा कैसे, आपने किराए का जुगाड़ कराया, आप लेकर आए, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हो, नहीं जानते होते तो मुझे किराया देकर बुलाते नहीं। बोला अगले, बोला मुझे सिंगार करा देगा मेरा। मैंने कहा महाराज मेरे पास खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं, आप क्या सिंगार कराऊंगा मैं, कहा मुझे इत्र चढ़ा देगा। मैंने कहा मेरे अंदर खुद के अंदर में महक नहीं है, मैं क्या आपको चढ़ा सकता, सच बोल रहा हूँ। फिर मुझे बोले अगले साल एक माला और एक इत्र की सीसी चढ़ा देगा। मैंने इतना कहा मेरी तो मौज हो गई, अगले साल का आपने वादा कर दिया और अगले साल तक जिंदा रखोगे और अगले साल बुलाओगे तो गारंटी है मैं एक माला क्या आप अपने श्रृंगार के लिए मुझे इतना तैयार कर दोगे कि अपना श्रृंगार खुद करा दोगे, इत्र एक बोतल नहीं जितने आप चाहोगे। लोग बोलते कि मैंने श्रृंगार किया, लोग बोलते कि मैं इत्र चढ़ा दूंगा, अरे पागल हम क्या इसको माला चढ़ाएंगे और हम क्या इसको इत्र चढ़ाएंगे, हाँ माला जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, ये माला आप चढ़ा सकते हो, ये माला आप चढ़ा सकते हो बाबा। और अगर ये माला चढ़ा दी ना तो विश्वास दिलाता हूँ ये जन्म नहीं कई जन्म तक याद रखेगा मेरा बाबा, इसलिए तैयार हो जाना इस माला को चढ़ाने के लिए। आई आई आई
थोड़ा इंतजाम कर।
इसी समय हुई है, याद है ना आपको? रोज खबर आती थी आज इतने गए, आज इतने गए, और बड़ा से बड़ा करोड़पति और छोटा से छोटा रोड़पति सब परेशान थे। ये नहीं था कि पैसे वाले या सोचते थे कि हम तो बढ़िया से बढ़िया इलाज करा लेंगे 7 स्टार, बल्कि सबसे ज्यादा वही गए जो 7 स्टार में थे, जो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है, अगर हम जिंदा हैं तो प्रभु को कोई कृपा है, और इस कृपा को अगर नहीं गाया तो फिर समझ लो कुछ भी नहीं किया। बोले सांचे दरबार की, बोली हारे के आइए प्रेम अरे लाज बचाने वाले मैं तेरी शरण में आया, लाज बचाने वाले मैं तेरी शरण में आया, मैं वापस ना जाऊंगा दिल में ये सोच के आया, मैं वापस ना जाऊंगा दिल में ये सोच के आया। तू दीना नाथ है हम तो अनाथ है, दीना नाथ है हम तो अनाथ है,
बोलना क्या मेरी हम तो अनाथ हैं।
बोलिए लाज बचाने वाले की। आइए अब आप बताइए क्या सुना सुना कौन सा बताओ। हाँ दीदी आप बताओ बताओ बाहें पकड़ लो। आइए 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 बाहें पकड़ लो। नरेश की आप लोग सब बाबा के पक्के प्रेमी हो ना। आगे आगे आओ ना थोड़ा थोड़ा आगे आगे आओ ना। आइए 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 ये काम बनाने वाले की। एक घंटा से ऊपर हो गया मैंने ये पूछा ही नहीं। नहीं क्या बजा रहे हो यार ये रेबब इतना थोड़ी होता है बार बार बोल रहा उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि खाटू कौन कौन है। अच्छा नीचे कर लो जो नहीं गया वो हाथ उठाओ जो कभी खाटू नहीं गया। शर्म मत करो उठाओ बताऊंगा मैं। खाटू नहीं गए रेवाड़ी रहती है गुड़गांव 3-3.5 घंटा का रास्ता आपके यहाँ से और जिंदगी बदल देने वाला रास्ता 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 दादा आप नहीं समझोगे यार आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार खाटू जाकर आओ कर आओ कर आओ एक बार खाटू जाइए। गुड़गांव से ट्रेन चलती है दिन में 2-3 ट्रेनें मिलेगी आपको और जाकर 3-3.5 घंटे रिंगस 1 घंटा खाटू जी 1 घंटा वहां पर दर्शन किया और बढ़ गया दर्द तो नहीं ऊपर भी नहीं बुलाया तो और लेटा दिया तो नहीं फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ना वो बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे अभी यहां पर बैठे हो ना मैं तो तुरंत बता रहा हूं ना तुरंत कर लो हो जाएगा काम तुरंत कर लो। आज रविवार है अगले रविवार तक के अंदर मैं कभी भी जाके आ जाऊं बल्कि मैं बताऊं आज 13 है पूर्णिमा कल है या परसों मुझे नहीं मालूम अभी सुधी चल रही है सुधी के अंदर मैं जाकर आ जाऊं और वैसे तो 300 दिन बाबा के हैं मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाकर कुछ कहने की दरकार नहीं है ठीक है ना बस वहां पर यहाँ पे दर्द है ना कमर में बस जाकर लंबलेट हो जाना बस एक बार दंडवत एक प्रणाम कर देना कुछ मत मांगना कुछ मत बोलना उसको सब पता है और फिर आकर देखना बिना डॉक्टर को दिखाए बिना दवाई लिए कैसे दर्द ठीक कर दो। समझ नहीं रहा रिपीट कम करो यार रिपीट तो बढ़ाओ इस तरह पकड़ ले बाबा
जिसको जिसको अपने बाहें पकड़वानी है और मिलकर तालियां बजाकर क्या बोलना, ना कोई काम Thank you.
बोलो बोलो बोलो। सामने इतना तो कहते कि
किससे हम दरबार नहीं मिला होता, कोई अगर काम आ भी गया, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है जो इसके जिसके ये काम आ गया उसको फिर कहीं और सर झुकाने की दरकार ही नहीं है, कहीं किसी को सर झुकाकर मक्खन लगाने की दरकार नहीं है। और इसके भी दरबार में जाकर ये भी नहीं कहता कि तो मेरे दरबार में गिड़गिड़ा कर, जो जिसके सर पर ये हाथ रखता है ना उसकी शान बढ़ाता है, उसको शान से अपने दरवाजे पर बुलाता है, उसको गिरा पड़ा करके नहीं बुलाता, बड़े शान से मेरा भक्त आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा प्रेमी आ रहा है, ऐसे बुलाता है मेरा बाबा। बता दो कोई ऐसा है जिसे नहीं बुलाया, जिसने बाबा को पुकारा, जिसने पुकारा उसको बुलाया बाबा ने, बस यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। बोल खाटू आई आई, और बताइए और क्या सुन रहे हैं। हाँ वो लास्ट में सुनो सुनो कहीं सर से नहीं नहीं बाबा तेरी लाज बचाने आए बाबा। अच्छा आई आई हेलो आइए एक भजन 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 बोलिए खाटू नरेश जी हेलो
बोलिए लखदातार की। अब जो बैठे हो बाबा के लिए बैठे हो ना, कौन कौन है जो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं? नहीं ना, सारे बाबा के लिए बैठे हो ना। देखो कीर्तनों में क्या होता है कि कुछ लोग शुरुआत में आते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दर्शन करके भाई ज्यादा वो लोग बिजी हो गए तो समय नहीं है, तो दर्शन करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा के लिए आए, घड़ी देखकर आए और घड़ी देखकर चले जाए, तो उनको बाबा उनको भी आशीर्वाद देता है, उनको भी कुछ ना कुछ देकर भेजता है। ठीक है, बाबा जपता है। आप क्या समझते हो, दिन में जो 12:30-1 बजे जो मंदिर मंगल होता है और 3.5 घंटा बन मंगल रहता है, बाबा क्या सोते हैं अंदर? अगर बाबा सो जाएंगे तो प्रेमी मर जाएगा। बाबा प्रेमियों के लिए नहीं सोते, बाबा सोते हैं व्यापारियों के लिए जो सिर्फ मांगने जाते हैं खाटू, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे, तो उनके लिए बाबा ने टाइम फिक्स कर रखा है कि मंगला से लेकर भोग आरती तक और शाम को 4:30 बजे खुलेगा तब शयन आरती तक। लेकिन प्रेमी को बोलता है तू मेरे दरबार में आना, अगर मेरा पट बंद भी हो तो तू वहीं से दोनों हाथों को उठाकर अपनी अर्जी लगा देना, मैं अंदर जगता रहूंगा, तेरी सुनवाई करूंगा और तेरा काम बनाऊंगा। तू मुझे नहीं देख पाएगा कोई बात नहीं, मैं तुझे देख लूंगा। और एक बात बताऊंगा, मुझे किसी ने बहुत अच्छे बड़े आदमी ने बताई ये बात, कभी भी खाटू जाया करो, जब लाइन से जाते हो ना सीढ़ियों से, VIP नहीं फ्रंट की सीढ़ियों से, आपने दोनों सीढ़ी की तरफ देखा होगा मार्बल के दो सिपाही बने हुए, वो मार्बल के हैं कौन से पत्थर के हैं, क्या चीज के बताओ? वो मार्बल के ही हैं, लेकिन मार्बल के थे जब मंदिर बना था तब कारीगर ने उसे मार्बल का तराश दिया था, लेकिन कहते हैं ना पत्थरों में भी जान डाल देता है। खाटू मंदिर में 8 घंटे या 12 घंटे की सेवा है, ड्यूटी है, जो गार्ड खड़े रहते हैं वो 12-12 या 8-8 घंटे में बदल जाते होंगे, लेकिन वो दोनों जो सिपाही है ना बाबा के, वो जब से बाबा विराजमान है तब से खड़े हैं, सोए नहीं है, उनमें प्राण है, वो सजीव है, वो निर्जीव नहीं है। कभी भी खाटू जाना, खाटू जाना, और अगर मौका लगे ना साइड से, दोनों साइड की लाइनों से जाना, और मौका लगे ना तो बस उनके चरण छूकर और उनके कान में इतना बोल देना कि बाबा से मेरी अर्जी लगवा देना, या कोई आपको अर्जी सुनाने के लिए बोले ना तो बोल देना बाबा से फलाना की अर्जी सुनवा देना, जब बाबा खाली हो मंदिर तब अर्जी लगवा देना। विश्वास दिलाता हूँ आपकी अर्जी डायरेक्ट चरणों में। आइए दादा, हेलो, ए भाई साहब, टाइम हो गया, टाइम तो ज्यादा हो गया वैसे। अच्छा अच्छा, मुझसे किसी नए प्रेमी ने पूछ लिया कि भैया आपका बाबा क्या करता है, मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को जाओ खाटू, आने के बाद तुम दुनिया को बताओगे कि बाबा क्या देता है। मुझसे मत पूछिए कि बाबा क्या क्या देते हैं, अरे हाथ उठने भी न पाए दिला देते हैं, अरे ऐसे है दानी मेरे श्याम बाबा अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। और भंडार लुटाने वाले की, अरे बाबा तेरी लाज
बचाने आएगा। बोलो बोलो बाबा तू थोड़ा रख विश्वास जिताने आएगा। बोलो बोलो थोड़ा रख विश्वास जिताने आएगा। तुझ पे ये अपना प्यार तुझ पे ये अपना प्यार लुटाने आएगा। किसी के पास 500 करोड़ है वो सोचेगा मेरा सारा काम हो जाएगा, कैसे होगा भाई, बेटी बड़ी हो गई, अब बता दो रिश्ता किससे करेगा, पैसे से करेगा रिश्ता। एलन मित्तल ने भी किया था रिश्ता, कितने 100 करोड़ 1000 करोड़ लगाए होंगे शादी में, कितने दिन चली शादी, कितने दिन खरीद लेता रिश्ता पैसों से, है ना। आना पड़ेगा भाई शरण में, आना पड़ेगा शरण में, है ना। ये पैसों से महल मालिया आप दीवालों में सोने की चित्रकारी करवा सकते हो, आप दीवालों में सोने की मूर्तियां लगवा सकते हो, है ना, डायमंड जड़वा सकते हो, आप 5-10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो। कोई ना कोई मोड़ ऐसा आएगा जहां पर आपको इसकी कृपा की दरकार होगी। इसलिए कोई अगर ये समझे, कोई ये समझे कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है, हम मुझे दरकार नहीं है, गलती नहीं करना, हर वक्त कृपा की दरकार है। यहाँ पर तो एक नजरों का खेल है भाई, हमने तो देखा है 1 सेकंड के अंदर में जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदा रहते हुए जिंदगी बदल जाती है 1 सेकंड के अंदर में। पूरे पूरे हाथ उठा लो जिनको सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा चाहिए, पूरे पूरे हाथ उठाकर नहीं कर तालियां बजाकर बोलना, अरे बापा तेरी हार कर आया हूँ अब तो ले
बताऊं आपने क्या कमाया? मकान बहुत बड़ा बाबा ने दिया,
लेकिन आपकी सच्ची दौलत ये है जिसके पास ऐसी औलाद होना जो कीर्तन कर रही हो इस उम्र में, जिसमें इसको अपना खुद पता नहीं है, ये खुद अपने पांवों पर नहीं जा सकता, कहीं भी बाहर निकलता तो मम्मी का हाथ पकड़कर या पापा का हाथ पकड़कर, अगर वो बाबा के नाम की तालियां बजाकर इस उम्र में भजन गा रहा है ना, तो समझ लो आपने सबसे ज्यादा कमाया है। जिसके बच्चे बाबा की जयकार लगाए, अभी मैं वहां गया था हमारे भाई साहब के यहाँ पर लुपुर नवदीप ज्वेलर्स, हमारे भैया यहाँ पर सोनी जी बैठे हैं, इनके शोरूम के अंदर में सब जयकार लगा रहे थे, इनके बच्चे ने जयकार लगाई हाथ पकड़ने वाले की, इनका इतना सा बच्चा जिसको अपनी दिन दुनिया के बारे में नहीं मालूम होती, छोटा बच्चा उसको कैसे मालूम पड़ गया कि ये हाथ पकड़ता है, जनरली वो तो यही जयकार लगाएगा, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, लख लातार की जय, लेकिन अगर आपका बच्चा जिस दिन बोलने लग जाए हाथ पकड़ने वाले की जय, जीवन देने वाले की जय, जीवन बनाने वाले की जय, उस दिन समझ लेना है ना आपका इस आपकी ये पीढ़ी भी तर गई और आपकी अगली पीढ़ी भी तर गई। मैं बताऊं अभी भी समय है, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है और बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू हम लोगों को अपना धर्म हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पाश्चात्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं हम अपने आप को, अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा से अच्छा पढ़ाइए, हाई एजुकेशन दीजिए उसको, लेकिन बस अगर आप अपने बच्चों को इतना कर पाए कि उसके साथ साथ कि अगर कोई बड़ा कोई आपके घर में आ रहा है तो आपका जो भी कुल देवी देवता है हाथ जोड़कर अगर उसकी जयकार लगाते हैं उसके सामने आपका बच्चा और उनके चरणों को छूता है, तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे के भविष्य के लिए आपको पश्चात डिग्री की दरकार नहीं होगी, आपके हमारे यही सनातन धर्म की जो डिग्री है ना वही आपके बच्चे का भविष्य बना देगी। हमने आज भी देखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग घूम रहे हैं, कृपा नहीं हो रही, काम नहीं मिल रहा, और जिनके घर में प्रभु का वास है उनके बच्चे अपने पिता के साथ साथ अपने दादा के साथ साथ धर्म धर्म पे लगे हुए हैं, और जो एक भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो लेकिन अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, उनके साथ बिजनेस में काम संभाल रहे हैं, तो वो उतना कमा रहे हैं जितना एक MBA 100 MBA मिलकर भी नहीं कमा पाते, वो बच्चा उतना कमा रहा है। तो प्रेमियों, अगर हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आज भी रहेंगे ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बोल सांचे दरबार की। आइए हमारी बहने, बेटा अगर आपको इस भजन पर विश्वास है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर वक्त आपके साथ रहेगा। बोल सांचे दरबार की, बाबा तुम साथ दयालु। देखिए बहुत पुराना भजन और